हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम सिटी वगैरह हैं वो सारे कुछ आ चुके हैं। कैसे आप अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, सर हम अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूरी तरह भूल चुके हैं, तो हम कैसे उसे दोबारा से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला वो करना कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप नहीं भूले हैं तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर इस पर क्लिक कर देना है। देखिए इस पर, जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार से कुछ मेरे सामने ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप करना है, और दोस्तों यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपका दोस्तों इस जोन में होगा, केवल इन जोन क्या है ध्यान दीजिए, केवल दोस्तों इस ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद एंड वेस्टर्न रेलवे मुंबई, इनके ही दोस्तों अभी तक जो है एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों चंडीगढ़ का तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर तीन ही ऐसे सेंटर हैं जिनके अभी तक आए हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, अगर आपका इन सेंट्रल रेलवे में आपने अप्लाई किया है, इन जितने भी जोन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो उसका भी तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपको बैक आना है, और सेकेंड आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, तीसरे नंबर पर लिखा है कि क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक फॉर CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है भाई। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों ये एक नई वेबसाइट पर लेकर जाएगा। देखिए RRB ग्रुप डी ऊपर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको नई वेबसाइट पर लेकर जाएगा, और आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना है दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है भाई। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले अपना जो यहाँ पर जोन है, कोई भी जो भी आपका जोन है, कोलकाता है, इलाहाबाद, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, कोई भी जो न्यू दिल्ली है या जयपुर है, जो भी आपका जोन है उसको सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या आधार नंबर, और यहाँ पर दोस्तों एक कोड आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो कोड आपको यहाँ डाल देना है, सबमिट आपको कर देना है। अगर इस प्रकार से भी नहीं निकलता है, क्योंकि भाई बहुत से, ये देखिए यहाँ पर इस जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इसकी वजह से शो नहीं कराया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कोड नज़र आ जाएगा। इस कोड को आपको यहाँ फिलअप कर देना है, फिलअप करने के बाद सबमिट कर दीजिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको दोस्तों अपना जोन भी नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है भाई, बहुत सारे लोगों को जोन भी नहीं पता है कौन से जोन में अप्लाई किया है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो जीमेल है, जो भी आपकी जीमेल है, उस पर सर्च करना है दोस्तों क्या, RRB, बस ये सर्च कर देना है। जैसे आप RRB सर्च करेंगे तो आपको RRB से संबंधित दोस्तों जो भी यहाँ पर मेल आपके पास आई होगी फॉर्म फिलअप करते टाइम, वहाँ पर आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। नहीं तो ये दोस्तों ये तरीका सबसे अच्छा है, मैं उस तरीक़ों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका बाद में आप ट्राई कर सकते हैं जो जीमेल वाला है, उस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर ही मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, अगर ये आप जहाँ पार्लर नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे सर हमसे नहीं हो पाएगा ये, तो आप डायरेक्ट जीमेल पर जाइए, जीमेल पर जो सर्च बार का ऑप्शन होता है वहाँ पर सर्च कीजिए RRB, बस RRB सर्च करते ही आपको दोस्तों वहाँ पर जो भी आपको एक वहाँ मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, नीचे आपको दोस्तों अपना पासवर्ड मिलेगा, और एक मिलेगा दोस्तों, तीन चीज़ मिलती है वहाँ पर जाने के बाद आपको, तो एक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरे पर आपका पासवर्ड, और एक चौथा होता है, तीसरे होता है नीचे OTP। तो आपको OTP और पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपको दिखाई देगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको करना कुछ नहीं, बस वहीं से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके डायरेक्ट दोस्तों पेस्ट कर देना है, और इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद।